Assalamu alaikum. I welcome you all to this wonderful platform of JKBOSE Foundation classes. Today we are back in another video. आपको बच्चों पता है कि इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर थर्ड में फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, जिसमें बच्चों मैंने आपको बोला कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें बच्चों हमने क्या देखा है कि डिफरेंट एग्रीकल्चरल टास्क करने पड़ते हैं एक फार्मर को. तो वो बच्चों हमने पढ़ा है, पहला एग्रीकल्चरल टास्क जो हमने पढ़ी है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. इसके बाद बच्चों हमने सोइंग पढ़ा है. उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा है वीडिंग. इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा है एडिंग ऑफ मैनवर एंड फर्टिलाइजर. और साथ साथ आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्रॉप पैटर्निंग बच्चों हमने पढ़े हैं. तो आज बच्चों हम एक और एग्रीकल्चरल टास्क के बारे में पढ़ेंगे, वो है इरिगेशन. ठीक है ना, गौर से सुनेगा बच्चों. इरिगेशन हम किसको बोलते हैं शॉर्ट में बच्चों आप याद रखो, सिंपल वर्ड इसमें आप ये याद रखोगे, इरिगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स. फील्ड्स में जो फार्मर ने क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करवाए हैं उन्हीं को बच्चों पानी देना, उनको सप्लाई वाटर करना, इस प्रोसेस को बच्चों सिंपल वर्ड्स में हम इरिगेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स. क्रॉप प्लांट्स को बच्चों वाटर सप्लाई करना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं इरिगेशन. और बच्चों आपको पता है कि ये जो इरिगेशन है ना बहुत नेसेसरी होते हैं. व्हाई इरिगेशन इज नेसेसरी? ठीक है ना, इरिगेशन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि बच्चों मैं आपको बोलूंगा, अगर हम इरिगेशन प्लोहिंग करने से पहले करेंगे, ठीक है ना, अभी बच्चों आप लोगों ने क्या किया, अभी प्लोहिंग नहीं की गई है, तो प्लोहिंग से पहले आपने इरिगेशन की, क्या किया है, इरिगेशन की, तो उससे बच्चों क्या हो जाएगा, इरिगेशन से बच्चों सबसे पहले ये जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी बच्चों सॉफ्ट बन जाती है. ठीक है ना, मिट्टी सॉफ्ट बन जाती है जिसकी वजह से बच्चों प्लोहिंग करना इजी हो जाता है. एक फायदा है बच्चों इरिगेशन का. इसी तरीके से बच्चों दूसरा फायदा जो है इरिगेशन का वो ये है कि ये बच्चों क्या करता है, ये सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए ये प्रोवाइड क्या करता है, ये बच्चों मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. ये एक और बच्चों इसका फायदा है, इरिगेशन का फायदा बच्चों क्या है, पहला मैंने आपको बोला है कि इससे मिट्टी सॉफ्ट बन जाती है जिस, ठीक है ना, और उससे क्या होता है, उससे बच्चों यानी कि प्लोहिंग करना ईजी हो जाता है. दूसरा मैंने बोला कि बच्चों ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इस मॉइस्चर से बच्चों क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं ना ये अच्छी तरह से जर्मिनेट करते हैं. क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं. और इससे इसके साथ साथ बच्चों आप याद ये रखोगे, इरिगेशन, ठीक है ना, इरिगेशन देने से ये जो बच्चों न्यूट्रेंट्स होते हैं ना, न्यूट्रेंट्स मिक्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? न्यूट्रेंट्स बच्चों इस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे बच्चों इनका सोल्यूशन बनता है, न्यूट्रेंट्स का और इस वाटर का बच्चों सोल्यूशन बनता है. और फिर इसी सोल्यूशन को ये प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स रूट्स के जरिए से एब्जॉर्ब करते हैं ये बच्चों. इसीलिए मैंने आपको बोला कि बच्चों जो इरिगेशन है ना, व्हाई ये क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी, ये फायदे हैं बच्चों इसके, इरिगेशन के. और इसके बाद बच्चों जब हम इसके मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा तरीका, यानी कि अगर पानी दिया जाता है, अगर इरिगेशन लैंड को इरिगेट किया जाता है तो कौन कौन से बच्चों, ठीक है ना, मेथड्स है. मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि हमारे पास दो किस्म के मेथड्स होते हैं. एक तो बच्चों हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें से बच्चों आपको पता है कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना वो आपको बच्चों ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा ये जो मॉडर्न मेथड्स है, ठीक है ना, जो इरिगेशन आज दी जाते हैं, कौन कौन से मॉडर्न मेथड्स हम इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से बच्चों हम इस लैंड को क्या किया जाता है, इस फील्ड को इरिगेट किया जाता है. ट्रेडिशनल में बच्चों आपने देखा वो राहत लेवर सिस्टम वगैरह है, ठीक है ना, या जो पुल्ले वगैरह सिस्टम वो है ट्रेडिशनल सिस्टम. और हमारे पास जो क्या है, जो हमारे पास मॉडर्न मेथड है ना बच्चों इरिगेशन के हैं, वो बच्चों स्प्रिंकलर मेथड है. क्या है वो? तो बच्चों एक तो स्प्रिंकलर मेथड है, यहाँ पे मैं आपको बच्चों बताऊंगा. स्प्रिंकलर मेथड जो होता है, इस स्प्रिंकलर सिस्टम आप बताओ या स्प्रिंकलर सिस्टम बच्चों आप बताओ, स्प्रिंकलर सिस्टम बताओ
या बच्चे आप क्या बताओ, या आप बताओ स्प्रिंकलर मेथड। देखो बच्चों इस स्प्रिंकलर मेथड में हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंकलर मेथड में बच्चों क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये हमारे पास लैंड है, क्या है ये बच्चों हमारे पास लैंड है, इस लैंड के अंदर हमने क्या किया है, ये इस लैंड के अंदर बच्चों प्लांट्स है, ये क्या है ये बच्चों प्लांट्स है, ये बच्चों प्लांट्स है, इसी तरह से बच्चों इस जमीन के अंदर क्या है, इस जमीन के अंदर बच्चों प्लांट्स है, ये क्रॉप प्लांट्स है, ठीक है ना, ये बच्चों क्रॉप प्लांट्स है, गौर से रखिएगा इधर नजर, ठीक है ना। इस क्रॉप प्लांट में बच्चों देखिए ड्रिप वाले सिस्टम में क्या किया जाता है, ड्रिप वाले सिस्टम में अगर बच्चों ठीक है ना, इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या नाम है इसका, जो इसके अंदर इस फील्ड के अंदर क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं क्रॉप प्लांट। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इसी जमीन का यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होता है, आपको बच्चों पता है सोर्स ऑफ वाटर मे भी रिवर हो सकता है, मे भी बच्चों कोई छोटे छोटे नदियां जो होती है, स्ट्रीम्स होते हैं, लेक्स होते हैं, कोई रिवर हो सकता है, कोई सोर्स या ट्यूबवेल वगैरह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे ठीक है ना, यहाँ पे अगर रिवर है ठीक है ना, इस जमीन का सोर्स ऑफ जो वाटर है ना वो रिवर है, वो क्या है रिवर, यहां से बच्चों एक मेन पाइप को लाया जाता है ठीक है ना, एक मेन पाइप के जरिए से बच्चों पानी लाया जाता है, क्या किया जाता है मेन पाइप के जरिए से बच्चों पानी लाया जाता है, और इस मेन पाइप को ये मैं बच्चों बोल रहा हूं कि किस वाले सिस्टम में, स्प्रिंकलर वाले सिस्टम में, या स्प्रिंकलर जो मेथड होता है बच्चों ठीक है ना इरिगेशन का, तो इसमें बच्चों क्या किया जाता है, ये जो मेन पाइप है ना, ये मेन पाइप बच्चों इस जमीन के अंदर ऐसे बच्चों इसको डाला जाता है ऐसे ठीक है ना, और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि बच्चों ये जो मेन पाइप होती है ना, इस मेन पाइप ठीक है ना, इस मेन पाइप को बच्चों क्या किया जाता है, इस मेन पाइप को बच्चों आफ्टर इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस, आफ्टर इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस, यहां पे बच्चों कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे बच्चों कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, और इन परपेंडिकुलर पाइप्स को बच्चों रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, और इस तरीके से बच्चों यहाँ पे एक और क्या होगा, यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर पाइप होगी, इस को भी रोटेटिंग नोजल होगा, इस तरीके से बच्चों यहाँ पे एक और क्या होगा, एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप होती है, और इस तरीके से बच्चों यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, और जब यहां से ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों गौर से सुनिएगा, जब क्या होता है कि जब यहां से बच्चों इस मेन पाइप यानी कि ये बच्चों मेन पाइप है, ये क्या है ये मेन पाइप है ठीक है ना, ये मेन पाइपलाइन है, जब इस मेन पाइप से बच्चों प्रेशर के साथ पानी आता है ठीक है ना, वाटर इसमें बच्चों फ्लो करता है, तो वो ठीक है ना, वो वाटर बच्चों इन परपेंडिकुलर पाइप्स जो होते हैं ना, परपेंडिकुलर पाइप्स जो होते हैं ये बच्चों इन्हीं के जरिए से जाता है, और इस ये जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इसी तरीके से बच्चों ये पानी इन प्लांट्स में पड़ता है, जिस तरह से बारिश पड़ती है, जिस तरीके से क्या पढ़ते हैं बारिश पढ़ते हैं। देखिए ऊपर बच्चों इसको रोटेटिंग न्यूजल होता है, जिसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और ये बच्चों इसी तरीके से जैसे कि आपको बच्चों पता है कि जिस तरीके से पानी ठीक है ना, जिस तरीके से बारिश पड़ती है ना, ऐसे ही बच्चों ठीक है ना, इस वाले मेथड में क्या किया जाता है, इन क्रॉप प्लांट्स को वाटरिंग दी जाती है, इनको बच्चों पानी दिया जाता है इस वाले मेथड में ठीक है ना। इस वाले मेथड को बच्चों हम स्प्रिंकलर सिस्टम बताओ या स्प्रिंकलर मेथड बताओ, और बच्चों याद रखेगा ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ना, ये जो ये मेथड होता है, ये मेथड बच्चों उन ठीक है ना, ये जो अनइवन ठीक है ना, जो अनइवन लैंड होती है, ये सिस्टम बच्चों उसके लिए भी ठीक है ना, उसके लिए भी अच्छा होता है, और जो सैंडी सॉइल होती है, क्या होते हैं जो सैंडी सॉइल होते हैं, ये उसके लिए भी अच्छा ये वाला मेथड होता है। आपने क्या बच्चों याद रखा है, स्प्रिंकलर सिस्टम में आपने क्या बच्चों याद रखा, आपने याद रखा कि जो जमीन होती है जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहां पे बच्चों उसका कोई ना कोई पानी का कोई ना कोई बच्चों सोर्स होगा ठीक है ना, मेन पाइप को जोड़ा जाता है इस जमीन के साथ, इस मेन पाइप से बच्चों क्या किया जाता है, पानी लाया जाता है, और इस मेन पाइप को बच्चों आफ्टर रेगुलर ठीक है ना, आफ्टर इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस बच्चों बीच में होती है, तो इस मेन पाइप को कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, जिन परपेंडिकुलर पाइप्स को बच्चों ऊपर से रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों ऊपर से ये जो होते हैं ना, इनको बच्चों हम बोलते हैं रोटेटिंग
क्या बोलते हैं, रोटेटिंग न्यूजलिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये रोटेटिंग न्यूजलिस बच्चों ऐसे रोटेट करते हैं और पानी बच्चों इस तरीके से इन पे बरसाया जाता है जिस तरीके से बच्चों बारिश पड़ती है। और मैंने आपको बच्चों बोला है ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम बच्चों अनइवन लैंड के लिए अच्छा होता है और ये सैंडी सॉइल के लिए भी क्या होता है, सैंडी जो सॉइल होती है लैंड होती है ना उसके लिए भी ये सिस्टम अच्छा होता है। और इसके बाद बच्चों एक और हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक और बच्चों ठीक है ना मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन होता है जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन, ठीक है ना। ड्रिप इरीगेशन बताओ या बच्चों आप क्या बताओ, या बच्चों आप बताओ ड्रिप सिस्टम, क्या बताओ ड्रिप सिस्टम बताओ। सुनिएगा बच्चों मेरी बात गौर से, ये जो ड्रिप सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये जो ड्रिप सिस्टम होता है ना, इस ड्रिप वाले सिस्टम में बच्चों क्या होता है, इस ड्रिप वाले सिस्टम में ये बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पे बच्चों ये हमारे पास, ठीक है ना, यहां पे गौर से सुनिएगा आप लोग, इस ड्रिप सिस्टम में बच्चों क्या होता है, इधर सुनिएगा, इस ड्रिप सिस्टम में ये हमारे पास क्या होता है, ये बच्चों हमारे पास लैंड है, क्या है, ये हमारे पास लैंड है। इस लैंड के अंदर बच्चों क्या है, इसके अंदर बच्चों ये प्लांट्स है, ठीक है ना, इसके अंदर ये प्लांट्स है, इसके अंदर बच्चों ये प्लांट्स है, गौर से सुनिएगा, इसके अंदर बच्चों इस जमीन के अंदर क्या होते हैं, इसमें नेटवर्क ऑफ पाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ पाइप्स। यहां पे बच्चों फॉर एग्जांपल अगर ये एक पाइप है, ठीक है ना, यानी कि ये एक पाइप है, इस पाइप को बच्चों यहां पे एक और लेटरल पाइप होगी ऐसे, ठीक है ना, लेटरल पाइप लाइन होगी ऐसे, या बच्चों परपेंडिकुलर पाइप बताओ। इसी तरीके से बच्चों ये जो है ना यहां पे भी इसको क्या होगी, यहां पे भी एक पाइप होगी और लेटरल पाइप बताओ या परपेंडिकुलर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी इसको भी क्या होगा, इसको भी बच्चों यहाँ पे एक और लेटरल पाइप, यहाँ से बच्चों एक और पाइप होगी, ठीक है ना, यहाँ से यानी कि इस वाले रूप में बच्चों एक और पाइप होगी और इसको भी ऐसे लेटरल पाइप होगी। इसी तरीके से बच्चों इसको भी एक लेटरल पाइप होगी, तो इस तरीके से इसको भी लेटरल पाइप होती है। और जब इन पाइप से बच्चों, ठीक है ना, जब इन नेटवर्क ऑफ पाइप से पानी फ्लो करता है, ठीक है ना, जब इसमें बच्चों पानी, ठीक है ना, फ्लो करता है, तो ये पानी बच्चों बिल्कुल ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना, ये जो बच्चों ये जो क्या नाम है इसका, परपेंडिकुलर या लेटरल पाइप से इस पाइप को, ठीक है ना, यानी कि इस मेन वाली पाइप को, तो ये जो इस प्लांट के रूट्स यहाँ पे होते हैं, जो यहाँ पे आपको बच्चों ये रूट्स नजर आते हैं ना, इस पाइप को बच्चों बिल्कुल इसके सीड में रखा जाता है और ये जो ये वाला सिस्टम होता है ना, ये इन प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बच्चों इन प्लांट्स को पानी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। और बच्चों याद रखिएगा ये जो ड्रिप सिस्टम है, ठीक है ना, जो ड्रिप सिस्टम है या ड्रिप इरिगेशन है ना, ये वो मेथड होता है जिसमें बच्चों क्या होता है, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, क्या होता है, इसमें बच्चों नो वेस्टेज ऑफ वाटर होते हैं, इसमें बच्चों पानी जाया नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें पानी जाया नहीं होता है। और इस मेथड को बच्चों इस्तेमाल किया जाता है उन जगहों पे, उन उस लैंड पे जहां पे बच्चों क्या होते हैं, जहां पे, ठीक है ना, अक्सर पानी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना, जहां पे पानी अवेलेबल नहीं होता है वहां पे बच्चों ये इरिगेशन सिस्टम जो है ना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बहुत अच्छा होता है। और गेटिंग मी, होप कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बच्चों परसों बोला है कि इस मेथड में अगर क्या किया जाता है, देखिए इस वाले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, अगर क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, ठीक है ना, उसके लिए बच्चों फार्मर को तीन प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। पहला बच्चों मैंने आपको बोला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, हमने बच्चों पढ़ा है ये। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला दूसरी जो टेक्निक मैंने आपको बोली है, दूसरा जो बच्चों मैंने प्रिंसिपल आपको बोला है वो मैंने बोला है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इस फार्मर को, तो वो बच्चों जिनको हम एग्रीकल्चरल टास्क्स या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं वो बच्चों हमने निपटाया है। अब इसमें बच्चों एक और, ठीक है ना, एक और प्रिंसिपल है, वो क्या है, वो है बच्चों नजर रखिएगा, वो है वीड कंट्रोल। मगर बच्चों आपको पता है कि ये जो वीड कंट्रोल है ना, ये किस प्रिंसिपल में आएगा, ये किस एक्टिविटी में बच्चों आएगा, ये आएगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। किसमें बच्चों आएगा, ये क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आएगा,
गौर से नजर रखिएगा बच्चा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पहला बच्चों क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, और दूसरा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और इसी तरह से तीसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यानी कि अब क्रॉप्स को बच्चों बचाना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, किन से इनको प्रोटेक्ट करना है, एक तो बच्चों इनको वीड से प्रोटेक्ट करना है, और बच्चों इनको जो पेस्ट्स होते हैं ना, पेस्ट्स से इनको प्रोटेक्ट करना है। मतलब बच्चों ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स को भी बच्चों एनिमीज होते हैं, उनको भी दुश्मन होते हैं, मगर ये दुश्मन कौन कौन होता है, एक तो बच्चों वीड्स होते हैं और पेस्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, पेस्ट्स। तो सबसे पहली बच्चों हम यहाँ पे बात, ठीक है ना, यहाँ पे बात बच्चों हम करेंगे किनकी, यहाँ पे बच्चों बात करेंगे हम वीड्स की, किनकी बात करेंगे हम वीड्स की बात करते हैं, वीड्स हम किन को कहेंगे, या ठीक है ना बच्चों, रखिएगा नजर, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स जो मैच्योर क्रॉप के साथ साथ ग्रो करते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को, ठीक है ना, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को बच्चों हम बोलते हैं वीड्स। फिर से सुनो, वीड्स का मतलब क्या होता है, वीड्स बच्चों होते हैं, ठीक है ना, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं अलोंग विद अ मैच्योर क्रॉप, जो क्रॉप के साथ साथ, कल्टीवेटेड क्रॉप के साथ साथ ग्रो करते हैं कुछ और छोटे छोटे, ठीक है ना, प्लांट्स ग्रो करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीड्स। तो वीड्स का मतलब क्या होता है, वीड्स होते हैं द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद अ मैच्योर क्रॉप, जो मैच्योर क्रॉप के साथ साथ बच्चों ग्रो करते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को बच्चों हम वीड्स बोलते हैं। और बच्चों आपको पता है कि अगर ये वीड्स ग्रो करेंगे ना इस फील्ड में, ठीक है ना, देखिए इस फील्ड में जहां पे आपने क्रॉप्स को क्या करवाए हैं, जहां पे क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, तो मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि ये वीड्स, ठीक है ना, इन वीड्स का बच्चों वहां पे ग्रो होना, ये बहुत ही क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। हार्मफुल यानी कि इन वीड्स का ग्रो होना क्यों हार्मफुल है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये लॉट ऑफ क्या नाम है इसका, लॉट ऑफ फर्टिलाइजर, लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ सनलाइट बच्चों ये कंज्यूम करते हैं, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। क्या करना होता है, इन वीड्स को बच्चों रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं, ये लॉट ऑफ, ठीक है ना, लॉट ऑफ फर्टिलाइजर, लॉट ऑफ, ये लॉट ऑफ फर्टिलाइजर को, ठीक है ना, और साथ बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि वाटर को भी, और ये जो सनलाइट होते हैं ना, सनलाइट को ये कंज्यूम करते हैं, और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए बच्चों इनका ग्रो होना बहुत ही हार्मफुल होता है। क्या होता है, हार्मफुल होता है। और याद रखिएगा बच्चों, वो प्रोसेस, ठीक है ना, यानी कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से बच्चों हम इन वीड्स को रिमूव करते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं, वीडिंग का मतलब क्या होता है, वीडिंग का बच्चों शॉर्ट में मतलब होता है, ठीक है ना, वीडिंग का बच्चों शॉर्ट में हम मतलब ये निकालते हैं, वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीड्स। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। और याद रखें बच्चों, ये जो वीडिंग होती है ना, वीडिंग बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको रीजन बताया क्यों है ये जरूरी करना। और अब मसला है कि ये जो वीड्स बच्चों होते हैं, वीड्स को रिमूव करना, यानी कि वीडिंग करना, आप बच्चों बता, या वीड्स को रिमूव करना, इसके लिए अच्छा टाइम कब होता है, इन वीड्स को बच्चों इन फील्ड से रिमूव करना अच्छा टाइम क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि बच्चों इनको, ठीक है ना, इन वीड्स को रिमूव करना, रिमूव करने के लिए अच्छा टाइम बच्चों ये होता है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, ठीक है ना, सीड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करने से पहले इन वीड्स को क्या किया जाता है, इन वीड्स को रिमूव किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, बिफोर दे प्रोड्यूस, बिफोर दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स, सीड्स एंड
फ्लावर, फ्लावर्स और सीड्स को बच्चों ठीक है ना प्रोड्यूस करने से पहले इनको क्या किया जाता है, इन वीड्स को बच्चों रिमूव किया जाता है। वही बच्चों बेस्ट टाइम क्या होता है, इन बेस्ट टाइम होता है इन वीड्स को रिमूव करने का, ठीक है ना। अगर बच्चों मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल हम अगर देखेंगे, ठीक है ना, एक वीड के एग्जाम्पल देखें बच्चों, आप सबों को पता है जो ग्रास होता है, ठीक है ना, जो ग्रास बच्चों जिसको हम घास बोलते हैं, घास, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये एक वीड है, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों एक और वीड है एमारेंथस, क्या है एमारेंथस बच्चों, एक और वीड का नाम है। इसी तरीके से बच्चों चिनोपोडियम है, क्या है चिनोपोडियम बच्चों, एक और वीड का नाम है। ये बच्चों कुछ वीड्स के नाम है, क्या है ये कुछ वीड्स के नाम है, याद बच्चों आपने क्या रखा है वीड्स के बारे में, वीड्स होते क्या है, ठीक है ना, और इनको बेस्ट टाइम कब होता है, लेकिन इनके लिए कौन सा टाइम होता है रिमूव करने का, वो बच्चों मैंने आपको और कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ मेथड सॉरी ठीक है ना कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको इन वीड्स के बारे में दिए। अब देखिए ये जो वीडिंग की जाते हैं, इन वीड्स को बच्चों रिमूव किया जाता है, क्या किया जाता है रिमूव किया जाता है, बेस्ट टाइम क्या ये, ठीक है ना, लेकिन कौन कौन सा मेथड होता है जिनके मेथड्स के जरिए से हम इन वीड्स को रिमूव करते हैं, यहाँ पे बच्चों ये नजर रखेगा। एक तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है मैनुअल वीडिंग, ठीक है ना, मैनुअल वीडिंग, यानी कि हमारे पास बच्चों क्या होता है एक मेथड होता है, इनको मैनुअली हम इनको हाथ से बच्चों क्या किया जाता है, इनको हाथ से रिमूव किया जाता है, उस मेथड को बच्चों हम बोलते हैं मैनुअल वीडिंग। तो पहला मेथड आपने क्या याद रखा है, पहला मेथड बच्चों हमने याद ये रखा है कि इन वीड्स को हम रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं बाय पुलिंग डाउन विद द हैंड, ठीक है ना, हम इनको हाथ से बच्चों क्या करते हैं, हाथ से बच्चों इनको ऐसे पकड़ते हैं, उसके बाद बच्चों इनको खींचते हैं और निकालते हैं बाहर। मगर ये जो मेथड है ना, जो मैनुअल वीडिंग होती है, मैनुअल मेथड जो बच्चों होता है ना, अगर आपने इसको ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर मान के चले बच्चों अगर ये वीड है, अगर इस वीड को आपने ऊपर से ऐसे पकड़ा और खींचा, इसको आपने पुल किया है, अगर बच्चों ये ऊपर से कट गए हैं तो रूट जमीन के अंदर ही रह गए हैं, इसका मतलब बच्चों फिर से ग्रो करेगा, क्या करेगा ये फिर से ग्रो करेगा, ठीक है ना, इतना अच्छा मेथड नहीं। मगर बच्चों ठीक है ना फार्मर्स को बच्चों ठीक है ना एमरजेंट में आपको बच्चों बोलूंगा कि टाइम बींग के लिए इनको ठीक है ना ये मेथड क्या है, यानी कि फिर से वहां पे क्या करते हैं वीड्स ग्रो करते हैं, मगर ठीक है ना यानी कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होती है ना वीड्स की, थोड़ा मतलब उसमें बच्चों कमी पीछे आती है, ठीक है ना, मगर उतना अच्छा मेथड ये नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बच्चों बोल रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, इसके बाद बच्चों हम ये काम करते हैं कि इन वीड्स को हम एक एग्रीकल्चरल टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं हम बच्चों एक एग्रीकल्चरल टूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वीड्स को निकालने के लिए हम एक एग्रीकल्चरल टूल का इस्तेमाल करते हैं, उस एग्रीकल्चरल टूल का बच्चों नाम है ट्रॉवल, क्या नाम है ट्रॉवल, या बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं खुरपा, क्या बोलते हैं जिसको बच्चों हम बोलते हैं खुरपा, ऐसा बच्चों कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा बच्चों ये कुछ होता है, ये ट्रॉवल होता है, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसको भी बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये कटिंग टूल होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों क्या होता है, अगर ये क्रॉप प्लांट्स है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ जो छोटे छोटे वीड्स होते हैं ना, इस ट्रॉवल को बच्चों हम ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बच्चों लाते हैं, इसको जमीन के साथ ऐसे करते हैं, ठीक है ना, इन वीड्स को बच्चों ऐसे किया जाता है, और ये ठीक है ना, ये बच्चों इससे क्या हो जाते हैं, ये कट जाते हैं, क्या ये कट जाते हैं, इसको भी बच्चों हम क्या करते हैं, यानी कि एक मेथड बच्चों आपने देखा हाथ से हम इनको निकालते हैं, दूसरा मेथड बच्चों हमने देखा कि हम एक एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चरल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ट्रॉवल या खुरपा, इसको भी बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में बच्चों आपको बोलूं जो हमारे पास एक और अच्छा मेथड है इन वीड्स को बच्चों क्या करना, इन वीड्स को बच्चों रिमूव करने का, वो है बच्चों हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन केमिकल्स का नाम है वीडिसाइड्स, उन केमिकल्स का नाम बच्चों क्या है, उन केमिकल्स का नाम है बच्चों वीडिसाइड। गोल से बच्चों याद रखेगा, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ना, क्या ये जो बच्चों वीडिसाइड्स होते हैं, ये वीडिसाइड्स होते ही क्या है, ठीक है ना, ये वीडिसाइड्स होते क्या, गोल से बच्चों नजर रखेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो वीडिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स ये वो केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं ये वीडिसाइड्स बच्चों, ये वो केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए,
क्या वीड्स के लिए, ठीक है ना, वीड्स को किल करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, उन केमिकल्स का बच्चों नाम क्या है, उन केमिकल्स का नाम है बच्चों वीडिसाइड्स। क्या नाम है? वीडिसाइड्स। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या याद रखोगे, जो वीडिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स होते क्या, ठीक है ना, मैंने बच्चों आपको बोला है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स बच्चों केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स। जो बच्चों वीड्स होते हैं ना, वीड्स को किल करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन केमिकल्स का नाम है बच्चों वीडिसाइड्स। देखो बच्चों क्या किया जाता है, जो वीडिसाइड होता है ना, जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा एक वीडिसाइड का नाम है 2,4-D, ठीक है ना, एक, ठीक है ना, वीडिसाइड का बच्चों नाम है, ठीक है ना, याद रखेगा इसकी फुल फॉर्म है 2,4-D डाइक्लोरो फिनॉक्स एसिटिक एसिड। गौर से बच्चों याद रखें। और बच्चों एक और एग्जांपल इसमें क्या है, एक और एग्जांपल है, ठीक है ना, और एक एग्जांपल बच्चों है ब्यूटोक्लर। क्या है? ब्यूटोक्लर बच्चों एक और एग्जांपल है, ये भी क्या, ये भी एक वीडिसाइड है बच्चों इसकी, ठीक है ना, उसके बच्चों यानी कि इन वीडिसाइड्स के बच्चों कुछ क्वांटिटी को, ठीक है ना, कुछ क्वांटिटी को बच्चों मिक्स किया जाता है पानी के साथ, और इसके बाद जब पानी और इस वीडिसाइड का सोल्यूशन बनाया जाता है ना, उसी को बच्चों फिर स्प्रेयर के जरिए से इन क्रॉप प्लांट्स पे बच्चों स्प्रे किया, यानी कि उसी का स्प्रे किया जाता है, और वहां पे इस जमीन के अंदर, ठीक है ना, इस लैंड के अंदर जितने भी वीड्स ग्रो हो जाते हैं ना, वो बच्चों क्या हो जाते हैं, वो बच्चों किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों मसला है कि क्या ये क्रॉप्स को मच कुछ डैमेज करते हैं, बच्चों ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं किया करते हैं, यानी कि इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों किन पे बच्चों अफेक्ट करता है, खाली बच्चों ये वीड्स को अफेक्ट करता है, क्या करता है, वीड्स को अफेक्ट करता है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला है कि ये जो क्या नाम है इसका, जो पेस्ट्स होते हैं ना, पेस्ट्स भी इन क्रॉप्स को बच्चों डैमेज करते हैं, यानी कि हमें इन क्रॉप्स को, क्रॉप प्लांट्स को बच्चों एक तो वीड्स से बचाना होता है, और बच्चों किन से बचाना होता है, पेस्ट से। आपको पता है कि पेस्ट्स ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, क्या ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो किन को डैमेज करते हैं, जो इन क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तीन किस्म के बच्चों इंसेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे पढ़ने की आपको इतना जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फिर भी बच्चों मैं आपको बताऊंगा, नाम याद रखिएगा। एक बच्चों टाइप होता है इन इंसेक्ट्स का, जिनको हम बोलते हैं चिविंग इंसेक्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, चिविंग इंसेक्ट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये चिविंग इंसेक्ट्स बच्चों याद रखिएगा, ये जो चिविंग इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये चिविंग इंसेक्ट्स बच्चों इस प्लांट के, ठीक है ना, इन प्लांट के किसी पार्ट को, ठीक है ना, प्लांट पार्ट्स को बच्चों कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं। ये बच्चों एक किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, और याद रखिएगा बच्चों इसी तरीके से जो दूसरे किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सकिंग इंसेक्ट्स। क्या होते हैं इनको बच्चों, हम बोलते हैं सकिंग इंसेक्ट्स। और इन जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, ये सकिंग इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सकिंग इंसेक्ट्स बच्चों इन प्लांट्स के जो सेल सैप होता है, क्या होता है, जो सेल सैप होता है ना, इसको बच्चों सक करते हैं, इसको क्या करते हैं, सक करते हैं। और तीसरे किस्म के जो इंसेक्ट्स बच्चों होते हैं, इन इंसेक्ट्स को बच्चों हम बोलते हैं बोरर इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं, बोरर इंसेक्ट्स बोलते हैं। याद से बच्चों याद रखिएगा, ये जो बोरर इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इन क्रॉप प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, ये इन क्रॉप प्लांट्स के अंदर बच्चों होल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनके अंदर होल्स बनाते हैं, और खुद इन्ही होल्स के अंदर रहते हैं, आराम से बच्चों इन्हीं होल्स के अंदर रहते हैं। मगर इन इंसेक्ट्स को बच्चों, जिस तरीके से हमने देखा है कि वीड्स को किल करने के लिए हम वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से बच्चों इनको, ठीक है ना, इन इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट पेस्ट्स को, ठीक है ना, इन इंसेक्ट्स को यानी कि पेस्ट्स को बच्चों जिनको हम बोलते हैं, इनके लिए जो दवाई, जिन दवाइयों का बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं ना, उनको बच्चों हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। इसका मतलब बच्चों पेस्टिसाइड्स भी ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, किनको बच्चों, यानी कि इन इंसेक्ट्स को, ठीक है ना, पेस्ट्स को किल करने के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आपको बच्चों पता है कि इन पेस्ट्स में बच्चों क्या है, इन पेस्ट्स में बच्चों एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल मैं बच्चों आपको दूंगा, BHC है,
क्या है बीएचसी, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बच्चों एक एग्जांपल है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों मेलाथोइन है, ठीक क्या है जो मेलाथोइन है ना, मेलाथोइन भी किसकी एग्जांपल है, मेलाथोइन भी बच्चों एग्जांपल है पेस्टिसाइड की। ये बच्चों आपने देखा कि क्या ये है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये बच्चों जब यही तीन प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं ना, इन तीन प्रिंसिपल बच्चों बोला जाता है कि 25% हिंदुस्तान में 25% बच्चों प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया है इजाफा हो गया, जब इन तीन प्रिंसिपल्स को तीन ठीक है ना एक्टिविटीज को फॉलो किया गया है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों ठीक है ना, इसके बाद हार्वेस्टिंग क्या किया जाता है, अब जब ये ठीक है ना, अब जब बच्चों ये क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं ना, इन मैच्योर क्रॉप्स को अब हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग बच्चों याद रखेगा, हार्वेस्टिंग का बच्चों सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे द प्रोसेस, या ठीक है ना, कटिंग कटिंग एंड गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से बच्चों ठीक है ना, फील्ड से इस मैच्योर क्रॉप को काटना और गैदर करना, कलेक्ट करना, जमा करना, इसको बच्चों हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोल रहा हूं कि हार्वेस्टिंग का बच्चों मतलब होता है कट करना, इस ठीक है ना, इन मैच्योर क्रॉप्स को कट करना, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा कटिंग एंड गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब ये जो हार्वेस्टिंग है ना बच्चों, ये जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है, देखिए अगर हम इन मैच्योर क्रॉप्स को क्या करेंगे, इन मैच्योर क्रॉप्स को क्या नाम है इसका बच्चों, कट करेंगे, कौन यानी कि हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा मेथड है, मैं आपको बच्चों बोलूंगी इसके लिए हम भी एक ठीक ना, इसके लिए बच्चों एक कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग करने के लिए एक कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। इस कटिंग टूल का बच्चों नाम होता है, यहाँ पे लिख के है ठीक है ना, इसका बच्चों नाम है सिकल, ठीक है ना, सिकल, जिसको बच्चों हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं, जिसको हम ठीक है ना कश्मीरी में हम इसको ध्रुव अथवा कृष्णपटम, ठीक है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे बच्चों होते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल बच्चों एक तो होता है कि आपने बच्चों देखा कि इन ठीक है ना मैच्योर क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग करने के लिए एक एग्रीकल्चरल टूल कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका बच्चों नाम है सिकल, जिसका नाम क्या है सिकल। और मैं बच्चों आपको बोलूं कि इसके लिए एक मशीन भी ठीक है ना, मशीन भी इस्तेमाल की जाती है, जिस मशीन का बच्चों नाम क्या है हार्वेस्टर, इसका मतलब बच्चों हार्वेस्टिंग सिकल से भी की जाती है। अगर आपके पास इस एक जमींदार के पास बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ी जमीन है, ज्यादा ज्यादा जमीन है, वहां पर बच्चों वो सिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना, वो वहां पर बच्चों हार्वेस्टर की मशीन का इस्तेमाल करेगा, जिस मशीन को बच्चों हम क्या बोलते हैं हार्वेस्टर बोलते हैं। सुनो ठीक है ना, अब इसके बाद बच्चों इसके बाद हमें क्या आता है, इसके बाद बच्चों थ्रेशिंग एंड विनोइंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे थ्रेशिंग हम किसको कहेंगे, ठीक है ना, गौर से बच्चों नजर रखिएगा, थ्रेशिंग देखो बच्चों थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेशिंग का बच्चों मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये प्लांट है, क्या है ये बच्चों प्लांट है, गौर से इधर नजर रखे, ऐसे मैंने बच्चों यहाँ पे एक प्लांट बनाया है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, इन प्लांट्स पे बच्चों यहाँ पे क्या है, ये बच्चों इन प्लांट्स पे बच्चों ऐसे ये फूड ग्रेन्स है, ये क्या है, ये बच्चों फूड ग्रेन्स है, इस तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या है, यहां से भी क्या है, यहां से भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है ना, ग्रेन्स है, दाने हैं, यानी कि फूड के ग्रेन्स है। और आपको बच्चों पता है कि ये जो है ना ये वाला, इसको ये जो डंडी है ठीक है ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। और ऊपर बच्चों ये क्या है, ऊपर बच्चों ये फूड ग्रेन्स है, ऊपर इस पे क्या है, ऊपर बच्चों ये फूड ग्रेन्स है, गौर से नजर रखिएगा, ठीक है ना, इन फूड ग्रेन्स को गौर से बच्चों नजर रखें, इन फूड ग्रेन्स को इस स्टॉक से बच्चों सेपरेट करना, क्या करना, इन ठीक है ना, इन फूड ग्रेन्स को इस स्टॉक से बच्चों सेपरेट करना, इसको बच्चों हम बोलते हैं थ्रेशिंग,
ठीक है ना। मगर कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं, बाय बीटिंग द ऑन द ग्राउंड। हम बच्चों किसी ठीक है ना ग्राउंड पे हम इनको बीट करते हैं, या बच्चों अगर हमारे पास कोई हार्ड मटेरियल होता है ना, फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हमारे पास आयरन का कोई ड्रम वगैरह होगा, या अगर ठीक है ना नीचे कोई पत्थर दो चार भी होंगे उस पे भी बच्चों हम इनको क्या करते हैं, इनको ऐसे बीट करते हैं। इसी बीट को बच्चों करना ताकि बच्चों इस सेटअप से ये फूड ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। सेपरेटिंग ग्रेन इज फ्रॉम शेफ, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखोगे, इस किसको आप बोलोगे, क्या नाम है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का बच्चा मतलब होता है ठीक है ना मेथड या प्रोसेस, लिखो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड, बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। ग्राउंड पे बच्चों क्या होता है, कोई हार्ड सबस्टेंस होता है, कोई हार्ड मटेरियल होता है, उस पे बच्चों इसको बीट करना, ठीक है ना, इनको बच्चों बीट करना, ठीक है ना, वहां से ताकि इस स्टॉक से बच्चों क्या सेपरेट हो जाए, ये फूड ग्रेन सेपरेट हो जाते, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बच्चों विनोविंग आती है, क्या आती है, थ्रेशिंग जब की जाती है ना, थ्रेशिंग के बाद बच्चों ठीक है ना, थ्रेशिंग के बाद बच्चों की जाती है विनोविंग। तो विनोविंग का मतलब क्या होता है, विनोविंग सुनेगा बच्चों, सुनो मेरे बात बच्चों गौर से, विनोविंग का मतलब क्या होता है, देखो जब आपको यहां पे बच्चों ये फूड ग्रेन्स हासिल हो गए, ठीक है ना, अब बच्चों हमारे पास क्या है, ये फूड ग्रेन है, ये बच्चों हमारे पास बहुत सारे फूड ग्रेन्स है, क्या है, ये बच्चों हमारे पास बहुत सारे फूड ग्रेन्स है, क्या है, दाने हैं। मगर इन फूड ग्रेन्स के साथ साथ ना, मेरी बात आपको बच्चों समझ आ रहे हैं, इन फूड ग्रेन्स के बच्चों साथ साथ मैं आपको बता, इसके साथ बच्चों छोटे छोटे वो ठीक है ना कुछ वेस्ट बच्चों होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बच्चों ये जो स्टॉक होता है ठीक है ना, या शेफ बच्चों होता है, या जिसको आप हेड बोलते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है ना। और बच्चों इसके साथ फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसके साथ और भी कुछ डस्ट वगैरह है, इसके साथ क्या है, और भी डस्ट है। अब ये जो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि ये फूड ग्रेन्स है, ये क्या है, ये बच्चों फूड ग्रेन्स है, और ये क्या है, फूड ग्रेन, और ये जो है ना ये क्या है, ये बच्चों शेफ है, क्या है, शेफ बच्चों बताओ, ठीक है ना, या हे बताओ, या क्या बताओ, हे। अब इन फूड ग्रेन को बच्चों ठीक है ना, या आप बच्चों बताओ फूड ग्रेन से इस शेफ को क्या करना, इस शेफ या इस हे को बच्चों सेपरेट करना, क्या करना, सेपरेट करना। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। मगर बच्चों हम इस विनोइंग को क्या कैसे करते हैं, बाय ब्लोइंग एयर, बाय ब्लोइंग एयर। हम बच्चों ठीक है ना, अगर नेचुरल एयर ठीक है ना अवेलेबल होगा, हम बच्चों ठीक है ना हाइट से इसको डालते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चों अगर फॉर इसके अंदर फूड ग्रेन्स भी है, क्या है, फूड ग्रेन्स भी है। और आपको बच्चों पता है कि ये जो शेफ होता है ना, ये लाइटर कंपोनेंट होता है, क्या होता है, ये लाइटर कंपोनेंट होता है, ये हल्का होता है, और ये जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना ये हैवी होते हैं, क्या होते हैं, ये भारी होते हैं। जब हम इनको क्या करते हैं, हाइट्स पे डालते हैं ना, हाइट से बच्चों इनको डालते हैं, ये जो क्या नाम इसका हेवियर कंपोनेंट होता है ना इसका, वो बच्चों सीधे ऐसे नीचे पड़ जाता है, ठीक है ना, नीचे पड़ जाता है, और जो ये शाफिया हे होता है ना, ये बच्चों दूर चला जाता है एयर के जरिए से, ठीक है ना, एयर के जरिए से दूर चला जाता है। इसी को मैंने बोला कि बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। मगर बच्चों आपको याद रखना है कि एक मशीन आजकल आती है, ठीक है ना, एक मशीन आजकल आते हैं, जिन मशीन्स को बच्चों हम बोलते हैं कंबाइन्स, क्या बोलते हैं, कंबाइन्स। याद रखे बच्चों, कंबाइन या कंबाइन्स ये वो मशीन्स होते हैं जिन मशीन्स को बच्चों हार्वेस्टिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनको बच्चों थ्रेशिंग करने भी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिनको बच्चों इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, विनोइंग करने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, विनोइंग करने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो थ्रेशिंग हम किसको बोलते हैं, विनोइंग हम किसको बोलते हैं, जब यानी कि बच्चों क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग जब की जाती है, उसके बाद थ्रेशिंग भी हमने बच्चों पढ़ी है, इसके बाद बच्चों हमने विनोइंग भी पढ़ी है, ठीक है ना। अब विनोइंग ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों जो थ्रेशिंग है ना, थ्रेशिंग बच्चों मशीन थ्रेशर से भी की जाती है, किसे की जाती है, थ्रेशर से भी की जाती है। इसके बाद जब विनोविंग भी की जाती है, अब बच्चों इन फूड ग्रेन्स को क्या किया जाता है, इन फूड ग्रेन्स को बच्चों स्टोर रखा जाता है, अब इनकी स्टोरेज है। मगर इन फूड ग्रेन्स को बच्चों
स्टोर करने से पहले इनको क्या किया जाता है, इनको बच्चों सन ड्राइंग की जाती है। क्या की जाते हैं इनको बच्चों? सन ड्राइंग की जाती है। क्यों की जाती है सन ड्राइंग? क्योंकि बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों इन फूड ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर। अगर इन फूड ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर ज्यादा ज्यादा होगा ना, वहां पे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई वहां पे ग्रो करेंगे, जो इन फूड ग्रेन्स को, इन ग्रेन्स को क्या करेंगे, इसको तबाह बर्बाद करेंगे। इसलिए, ठीक है ना, इन फूड ग्रेन्स को क्या करने, ठीक है ना, स्टोर करने से पहले बच्चों इनको क्या की जाते हैं, सन ड्राइंग की जाती है। ताकि सन ड्राइंग से बच्चों क्या होता है, जो ये मॉइस्चर होता है ना, ये बच्चों इनके अंदर ये मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। और जब ये मॉइस्चर इनके अंदर रिड्यूस हो जाता है ना, तब जाके बच्चों इनको स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है इनको बच्चों? स्टोर किया जाता है। मगर अब बच्चों की ये जो स्टोर है ना, स्टोर इनको किन के अंदर किया जाता है? एक को एक बच्चों में बोलो कि हमारे पास गनी बैग्स होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे पास गनी बैग्स होते हैं, इन गनी बैग्स के अंदर बच्चों इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और बच्चों जो क्या होते हैं, जो ग्रेन, जो ग्रेनी साइलास होते हैं, क्या होते हैं? ग्रेनी साइलास जो होते हैं ना, इनके अंदर भी इनको क्या किया जाता है, इनके अंदर भी बच्चों इनको किया जाता है स्टोर। क्या किया जाता है? स्टोर। आपको बच्चों पता है कि जो गनी बैग्स होते हैं ना, इनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। ऊपर से बच्चों जो इनका माउथ होता है ना, उसको बच्चों स्टिचिंग की जाती है। उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, इनको गोडाउन में, ठीक है ना, इनको बच्चों जो गोडाउन होते हैं ना, गोडाउन मतलब स्टोर जहां पे इनको किया जाता है, गोदाम जिनको हम बोलते हैं, वहां पे बच्चों इनको किया जाता है। ऐसे बच्चों इनको टाल बनाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे बच्चों इनके टाल बनाया जाता है ऐसे। और ऐसे बच्चों बहुत सारे ऐसे इनको टाल बनाए जाते हैं। और इन गोडाउन्स में भी बच्चों क्या किया जाता है, इन क्रॉप्स को, ठीक है ना, इन फूड ग्रेन्स को क्या बच्चों क्या किया जाता है, उन इन फूड ग्रेन्स को स्प्रेइंग की जाती है। वहां पे बच्चों जो रेड पॉइजन, ठीक है ना, रेड पॉइजन्स होते हैं ना, वो केमिकल्स बच्चों इनके वहां पे इन गोडाउन्स में रखा जाता है। या हमारे पास कुछ क्या होते हैं, कुछ आयरन के, ठीक है ना, कुछ आयरन के बच्चों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत टॉल वो होते हैं, कुछ टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आयरन के बने हुए होते हैं, उनको बच्चों हम बोलते हैं ग्रेनी साइलास। उनको, ठीक है ना, या तो बच्चों इन को क्या किया जाता है, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि बच्चों ये फूड ग्रेन्स जो होते हैं ना, फूड ग्रेन्स, इन ग्रेनी साइलास के अंदर क्या रहते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट करके रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटेक्ट करके रहते हैं। और मैं आपको बच्चों बोलूंगा इसके बाद, ठीक है ना, जब प्रोटेक्शन भी की जाते हैं, इसके बाद बच्चों आपने देखे जब इनको स्टोर भी किया जाता है ना, अब ये जो फार्मर होता है ना, फार्मर बच्चों कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा जो FCI है, क्या है, जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फार्मर बच्चों इनके साथ राबिता करता है और इन्हीं गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक FCI को बच्चों इन फूड ग्रेन्स को भेजा जाता है, ठीक है ना, इसको बेचता है। या बच्चों मैं भी मार्केट्स में खुद जाता है और बच्चों क्या किया जाता है, और खुद ही बेचता है। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, मगर हार्वेस्टिंग के दौरान बच्चों, जब अभी हमने हार्वेस्टिंग पढ़ा है ना, हार्वेस्टिंग के दौरान बच्चों हिंदुस्तान में कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। जब हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा होता है ना, उसके अंदर बच्चों कुछ फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा पोंगल जो होता है, ठीक है ना, पोंगल को बच्चों क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। या मैं आपको बच्चों बोलूंगा बैसाखी जो होती है, क्या होती है, जो बैसाखी होती है, बैसाखी को बच्चों क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। या मैं आपको बच्चों बोल रहा हूँ कि जो बिहू होता है, ठीक है ना, बिहू जो होता है ना, इसको भी क्या किया जाता है, इस हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान बच्चों इसको भी क्या किया जाता है, क्या नाम है इसका, ठीक है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया स्टोरेज का बच्चों, ठीक है ना, स्टोरेज बच्चों हमें देखें लास्ट में स्टोरेज। अब जो इसके पास बच्चों हम अब इस चैप्टर में बच्चा है ना, दूसरा पार्ट वो है एनिमल हस्बेंड्री। उसमें बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं उसी लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।